इसमें फॉल्ट है, यूट्यूब ओपन जल्दी नहीं होता है और लोड नहीं हो रहा है। इंटरनेट की सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, पहले नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे, वायरलेस कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा वाईफाई नेटवर्क है उसे सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट हो चुका है। अभी हम यूट्यूब ओपन करके चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें। यूट्यूब काफ़ी देर तक बफरिंग करने के बाद ओपन ज़रूर होता है। यहाँ पर मैंने वीडियो स्पीड में किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो लोडिंग टाइम इसका इतना है कि ये स्टार्ट होता ही नहीं है, हम वेट करते रह जाते हैं। इसमें फॉल्ट सॉफ्टवेयर का हो सकता है, प्रोसेसर का भी हो सकता है। सबसे पहले हम EMMC IC को ओपन करके इसमें प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें EMMC IC को निकाल लेना है, तो मैं जल्दी से EMMC IC को निकाल लेता हूँ। खिलाने का मतलब ये होता है कि ये मेल्ट हो चुका है, अब उठा सकते हैं। यहाँ पर अभी पहले क्लीन करना है हमें, क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। EMMC IC को स्टेंसिल में ठीक से फिट करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एब्रो टेप से फिर बाद में चिपकाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं IC अच्छे से हमने फिक्स कर ली है। शोल्डर पेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये शोल्डर पेस्ट लगा रहा हूँ IC के होल्स के अंदर। अच्छे से ये शोल्डर पेस्ट को आपको मिक्स करना है ताकि एक एक बॉल्स ठीक से बन पाए। अभी ये पेस्ट फॉर्म में है, जब हम लीड करेंगे तब ये बॉल्स बन जाएंगे। ये UFI लाइट है, इससे हम यूजर एरिया की रीडिंग करेंगे। UFI के एडप्टर में IC को फिक्स कर लेते हैं। UFI बॉक्स का मेन टूल बॉक्स एप्लीकेशन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, ये विंडो खोलने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है आइडेंटिफाई EMMC। आपको अनचेक रखना है इसे और आइडेंटिफाई करना है EMMC। आइडेंटिफाई होने के बाद आपको ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं इसकी एक वैल्यू सेव कर लेनी है, Ctrl-V, और इस फाइल को सेव करना है उस जगह पे जहाँ आप ये डेटा इसका सेव करने वाले। लॉयड के अंदर मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा है, उसी के अंदर इसे सेव करूंगा, इसको नाम दूंगा। ये IC की ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है जो कि चालू IC की है, इसमें सिर्फ YouTube काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके सभी CID नंबर सब ओरिजिनल है, ओके, हमने सेव कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं CID और CSD नंबर। हम फाइल राइट करने के बाद EMMC IC आइडेंटिफाई करेंगे और इसके साथ वेरीफाई करेंगे इनकी हर एक डेटा के साथ। और यहाँ पर RPMB बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी IC में आप ये डेटा जो रीड कर रहे हो वो कोई भी IC में डालोगे तो बोर्ड पे चलेगा। अगर जो ऑथेंटिकेशन प्रोग्रामिंग होती और इसमें काउंटर नंबर दिया होता तो काउंटर नंबर वाली IC में उसी IC में चलता डेटा। अगर जो आप RPMB क्लीन कर देते तो उसमें भी नहीं चलता, ठीक है। रीड करने के समय सभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ यूज़र एरिया को अनचेक कर रहा हूँ रीड करने के लिए, क्योंकि ये अगर जो लेट भी हुआ तो अभी ये छोटी फाइल है, फटाफट हो जाएगी। यूजर एरिया के लिए हम ये वाला डोंगल यूज करने वाले हैं। हम रीड करेंगे चेसिस नंबर लॉयड का, और इसके अंदर हम ये चारों डेटा सेव कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चारों डेटा जो है वो यहाँ पर सेव हो गए, ठीक है। boot1, boot2, CSD फाइल और RPMB। boot1 और boot2 की साइज है 4 MB और RPMB की साइज है 512 KB।
आपको रीड करना है यूजर एरिया। ओके, तो यूजर एरिया के लिए मैं अभी यहां से ये और ये जो यूएसबी पॉइंट है इसे मैं अपने कंप्यूटर के साथ लगा दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली। इसको लगाने के बाद आप यहां देखेंगे कि एक ब्लिंक हुआ, इसका मतलब अभी यूएफआई लाइट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यूएफआई लाइट ईएमएमसी यूएसडी रीडर यूएसबी डिवाइस, ओके, इसका नंबर है। अब हम आइडेंटिफाई ईएमएमसी दोबारा से करेंगे, ओके। अब देख लो ये लाइट कनेक्ट हो चुका है अभी, आइडेंटिफाई ईएमएमसी में जो कैपेसिटी आ जाएगी इसका मतलब आइडेंटिफाई आईसी हो गई है। और आप देखेंगे कि चेकबॉक्स यूजर एरिया पे अगर जो आप चाहें तो अभी बूट वन बूट टू आरपीएमबी सीएसडी फाइल यहाँ से रीड नहीं कर पाएंगे, ओके। ये सिर्फ यूजर एरिया के लिए रीडर दिया हुआ है, ओके। तो हम रीड करेंगे फाइल को। अब देखो मुझे सेव वहीं करना है जहां पर मैंने ऑलरेडी डेटा रखना है, ठीक है, यहां पर ही मैं सेव कर रहा हूं। कहां पर? इस फोल्डर के अंदर जो मैंने फोल्डर कंपनी के नाम के साथ रखा हुआ है, तो सिलेक्ट कर दिया। तो यहां आप देखेंगे 42 एमबी पर सेकेंड की स्पीड से रीड हो रहा है और इसमें समय लगेगा 1 मिनट और 24 सेकेंड। यही चीज मेन बॉक्स के साथ कनेक्ट करके करता तो इसकी स्पीड होती 2 एमबी से लेकर 15 एमबी तक, उससे मैक्सिमम स्पीड नहीं होती। यहाँ पर स्पीड अनलिमिटेड है, यहाँ पर नो लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है नो लिमिट है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम है 150 मेगाहर्ट्ज़ तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लॉक मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। यहाँ पर इसमें सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और ये रीड हो गया। कैलकुलेटिंग सीआरसी अभी फाइल जो है वो कैलकुलेट करने के बाद इसकी मेमोरी साइज यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर सेव हुआ है इस जगह पर जो हमने फोल्डर सिलेक्ट किया था वहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैंक चेकिंग नॉट ब्लैंक, ये ब्लैंक चेक भी करता है। अगर जो ब्लैंक होगी आईसी इसमें डेटा बिल्कुल खत्म हो चुके हैं रीड करते समय तो यहाँ पर बता देगा कि ब्लैंक थी आईसी, मतलब खाली थी। पर मैक्सिमम साइज जो ईएमएमसी की होती है वो यूजर एरिया की, इसी के लिए हाई स्पीड डोंगल था, ओके। अभी हमारा काम क्या है, ये चारों फाइल को राइट करना आरपीएमबी को छोड़ के। और आप जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आरपीएमबी चेक नहीं होता है, ठीक है, ये सारे बॉक्स अपने आप ही चेक हो जाते हैं, ओके। अभी करना क्या है आपको, ये जो फाइल आपने अभी सेव की थी इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है, छोटा कर दो। छोटा करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट। इस आईसी के अंदर बूट 1 जो उसी से ये बोर्ड चालू होगा, बूट 1 के डेटा से, ठीक है। तो हमारा बूट 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम बूट 1 को अपनी जगह पे डाल देंगे, ओके। अब इसकी डेटा भी देख लेंगे, तो देखो डेटा है, ओके, अभी क्लोज कर देते हैं, ओके। तो बूट 1 तो क्लियर है, सही है। बूट 2 देख लेते हैं, क्या बूट 2 के अंदर डेटा है या नहीं है, ठीक है, तो ये खाली है। बूट 2 डालो या ना डालो एक ही बात, फिर भी हम रखते हैं। अभी यूजर एरिया ले लेंगे, अभी यूजर एरिया कहाँ पर है, ये रहा, हम यूजर एरिया डाल देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3.64 GB का यूजर एरिया डेटा जो है उसी बॉक्स से जहाँ लॉयड का हमारा सॉफ्टवेयर है उधर से लिया, और सीएसडी फाइल भी हमें उठा के यहाँ। अब देखो सीएसडी फाइल डालते ही ये बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड जैसा था वैसा ही, ठीक है। अगर जो सीएसडी फाइल गलत डाल दोगे तो ये यूजर एरिया से अगर जो बूट लेना शुरू करना, इसका उपदेश ये है कि आप यूजर एरिया से बूटिंग स्टार्ट करो ऐसा लिखा होता इधर, तो बूट 1 से होता ही नहीं और आपका बोर्ड चालू ही नहीं होता। क्लॉक स्पीड जो है उसे 24 मेगाहर्ट्ज कर देता हूँ। आपने देखा था उसमें नो लिमिट थी, 150 मेगाहर्ट्ज थी, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी, 48 मेगाहर्ट्ज। इस तरह से प्रोग्रामर पे हम ये जो लगा के कर रहे हैं इस डायरेक्ट बॉक्स के ऊपर, ठीक है, तो हमें 24 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं लेना है इसमें, ठीक है, 48 मेगाहर्ट्ज पे एरर आ जाएगी। राइट करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, हम राइट करते हैं।
बोर्ड पे हम लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो प्रोग्रामिंग है हो चुकी है, हमने राइट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ राइट हो गया है। अभी हमारा काम होगा आइडेंटिफाई EMMC को दोबारा करना। ओके, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पुराना जो आपके पास ये लिया हुआ था लेखा जोखा इसका, उसके साथ इसे कंपेयर कर लेना। ठंडा करने के बाद मैंने बोर्ड को ऑन किया है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट रेड से ब्लू हो गई, जैसे हम रिमोट से ऑन करते हैं। यहाँ पर लॉयड लिखा हुआ आ गया। रनिंग के बाद भी प्रॉब्लम सेम रही, तो हम फैक्ट्री रिस्टोर करेंगे। अभी हमने बैकअप ले लिया, इसलिए अब हम फैक्ट्री रिस्टोर कर सकते हैं। इस समय पे अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम बैकअप फाइल से दोबारा से EMMC राइट कर सकते हैं। हमारे पास रीड की हुई फाइल पड़ी है। वीडियो को हमने फास्ट कर दिया है ताकि मैं जल्दी से इस बोर्ड की जो प्रॉब्लम है उसको आपको बता पाऊँ। इस बोर्ड में हमने फैक्ट्री रीसेट करने के बाद सभी दोबारा हमको चीज़ें डालनी पड़ती है। हमने वाईफाई सेटिंग सब कुछ कर लिए। अभी दोबारा से प्ले स्टोर से हम यूट्यूब ऐप को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर यूट्यूब में इंस्टॉल करने वाला, ये डाउनलोड हो रहा है, इसके बाद इंस्टॉल होगा। उसके बाद हम दोबारा YouTube ओपन करके चेक करते हैं क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सेम है या ठीक हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं लोडिंग पे अटका हुआ है। इतनी देर जब हमने बोर्ड को ऑन रखा हुआ था इंस्टॉलेशन, और YouTube जब बफर कर रहा था और लोड हो रहा था और लोडिंग पे अटका हुआ था, इस समय टेम्परेचर 51 डिग्री, प्रोसेसर कल्प्रिट था। हमने EMMC IC को निकाल कर रीप्रोग्राम करके चेक कर लिया। हमें पता लगा कि इसमें EMMC IC की प्रोग्राम का एरर नहीं है, इसमें प्रोसेसर खुद ख़राब थी, जो कि एंड्रॉयड कोर वोल्टेज जो 1 वोल्ट होता है, जो एंड्रॉयड कोर प्रोसेसर के लिए जाता है, सो वो लोड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने जब बोर्ड बंद किया है तो टेम्परेचर धीमे धीमे कम हो रहा है। तो ये टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री से कम होते हुए अभी 46 डिग्री पे है। ये एंड्रॉयड बोर्ड की जो कोर प्रोसेसर है इसकी सप्लाई है, जो मैं डायोड टेस्ट कर रहा हूँ। जिस समय हम YouTube का ये सब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे, इतनी देर में प्रोसेसर इतनी हीट अप हो गई है कि इसकी जो डायोड टेस्ट रीडिंग है 0.2 से चेंज होकर 0.143 तक चले गई। और ये एक निशानी है कि इसकी जो एंड्रॉयड कोर प्रोसेसर जो है अंदर जो है वो प्रोसेसर ख़राब है। तो इसमें प्रोसेसर का फॉल्ट निकला था, जिसकी वजह से YouTube स्टार्ट नहीं हो पाता था।
जैसे हम YouTube खोलते हैं तो वो बफरिंग करता था और आगे जाके ब्लैंक स्क्रीन हो जाता था। तो यहाँ पर इस बोर्ड में प्रोसेसर चेंज करने के बाद ही ये बोर्ड रिपेयर होगा।